नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ मैसी हेयर स्टाइल्स जो कि लेजी गर्ल्स बहुत ही इजीली विदाउट को बना सकती है। और आज के वीडियो में मैंने मेरे हेयर को स्ट्रेट नहीं किया है, मेरे हेयर्स नॉर्मली मेरे जो हेयर्स है वेवी एंड कर्ल्स में उसी हेयर्स के साथ अपने आज के हेयर स्टाइल को क्रिएट करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद मुझे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो है आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए हेयर स्टाइल सीख लेते, लेट्स गो। फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैं मेरे हेयर्स को पूरा एक साइड में ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें एक थोड़ा सा रबर बैंड को नीचे खींचते हुए मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस क्रिएट कर रही हूँ ताकि जो मेरे लेफ्ट ओवर हेयर्स है मैं उसके अंदर से उसे निकाल सकूँ। वापस से थोड़े से हेयर्स को रबर बैंड से सिक्योर कर रही हूँ और वापस से सेम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके मैं नीचे के लेफ्ट ओवर हेयर्स को ऊपर से नीचे से निकालने वाली हूँ। और ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही इजी है, इसे बनाने के लिए आपको हार्डली 1 मिनट लगता है। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए मैं मेरे हेयर्स को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, मिडल पार्टीशन। और फिर उसके बाद मैं लेफ्ट साइड के हेयर्स को फिर मैं उसे ले ऊपर ले जाकर एक हाइनी पोनी टेल जैसा एक रबर बैंड से सिक्योर कर रही हूँ। और सेम वे आपको नेक्स्ट साइड भी करना है। इस तरह से 2 छोटी बन जाने के बाद आपको दोनों भी अपने हेयर्स को उठाना है, दोनों भी छोटी को उठाना है और उसे ट्विस्ट करना है जिस तरह से मैं कर रही हूं। और ट्विस्ट करके ले जाते जाते आपको इसे एक बन जैसा क्रिएट करना है। और फिर इसे आपको एक बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। और ये बन गया हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल और ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्यूट सा बन बन जाता है। लगता है कि ये बहुत ही मेहनत से बना हुआ है बट ये बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाता है। आपके जो फ्रंट के हेयर्स हैं फ्लिक्स या फिर थोड़े से जो हेयर्स हैं ईयर्स तक के उसे निकाल लेना है। नॉर्मली हमारा जैसे हम पोनीटेल बांधते हैं उस तरह से अपने हेयर्स को उठा लेना है और पोनीटेल में क्रिएट कर लेना है। और इसे एक पोनीटेल में क्रिएट करने के बाद वो जो आपके हेयर्स है उसे ट्विस्ट कर लेना है या फिर आप ऐसे ही इसे रोटेट कर सकते हो आपके हेयर्स के अराउंड, नहीं तो फिर इस तरह से ट्विस्ट कर आपको इसे अपने हेयर्स के अपने जो पोनीटेल में रबर बांधा है उसके अराउंड इसे टाई करना है और फिर नीचे ले जाकर इसे एक बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। सो गाइज आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।